पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, जो हमारे सामने सत्ता है, यह क्या है? सत्ता होना, अस्तित्व, इसको हम देखते हैं तो ये जड़ और चेतन मैं है, जड़ है और चेतन है। जड़ वह है जो खुद को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है। चेतन वह है जो खुद को जानता है और दूसरे को जानता है। ये जड़ और चेतन के लक्षण हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथ परिगई, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये गीताकार ने कहा, प्रकृत और पुरुष दोनों को अनादि जान। कपिल ने बहुत पहले कहा प्रकृत पुरुष ब्रह्म माया, वेदांति कहते हैं ब्रह्म और माया, भाषाओं में अंतर है, लेकिन एक जड़ सत्ता एक चेतन सत्ता। ब्रह्मवादियों की माया की व्याख्या कुछ अलग भी है। जो जड़ सत्ता है, जड़ सत्ता निर्भ्रांत समझने में आती है, माया के विषय में बड़ी उलझन है, वह सब यहाँ कहने का अवसर नहीं है। जड़ और चेतन दो सत्ताएं, और दोनों सत्ता मिल करके अस्तित्व है, जो कुछ हमें दिखाई देता है। इसका इस ढंग से संगठन कब हुआ? भावनावादी मानते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई। क्यों बनाई प्रश्न करने पर सर राधा कृष्ण ने लिखा है, ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका उत्तर आज तक नहीं दे मिला है, आगे भी दे नहीं मिलेगा। सरदार भगत सिंह ने अपनी एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि मैं दुनिया के समस्त ईश्वरवादियों से पूछता हूँ कि ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, क्योंकि दुनिया में पाप ताप सर्वत्र, सब जीव दुखी है, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने करुणा करके दुनिया बनाई। करुणा तब होती है जब कोई दुखी हो, दुनिया ही नहीं थी, कोई दुखी नहीं था, कोई था ही नहीं, तो किस पर करुणा किया? करुणा करने से सृष्टि होती है कि सृष्टि होने से करुणा होती है, ये प्रश्न है भारतीय दर्शन में। करुणा से सृष्टि होती है तो इसका मतलब है कि लोग दुखी थे, उनके दुख को दूर करने के लिए सृष्टि बनाई गई, तो वे कहाँ थे जो दुखी थे जब सृष्टि नहीं थी? इसलिए करुणा से सृष्टि बनाई, ये बिल्कुल बेकार है। सृष्टि होने पर करुणा होती है, सृष्टि है तो लोग दुखी हैं तो करुणा की जाती है। किसी के बच्चे हों तो बच्चों पर माँ बाप के की करुणा होगी, बच्चे ही नहीं तो किस पर करुणा? सृष्टि ईश्वर ने केवल लीला के लिए बनाई, ये बात समझ में नहीं आती। लीला वह करता जो अपूर्ण है, असंतुष्ट है। जो पूर्ण काम और संतुष्ट है वो लीला नहीं करता। अब ऐसी लीला कैसी जिसमें सब जीव दुखी हों? चिड़िया का जी जाए लड़के खिलौना, चिड़िया को पकड़ करके बच्चे नोच रहे हैं और वो चे चे कर रहा है और लड़कों को आनंद आ रहा है। ईश्वर तो लीला कर रहा है और सब जीव दुखी हैं, इसलिए लीला समझ में बात नहीं आती।
सृष्टि कब से बनाई, किसने बनाई, इसके विषय में जो दुनिया का प्राचीनतम शास्त्र है ऋग्वेद, उसमें अनेक अटकलें हैं और सरल ढंग से हैं। कोई संप्रदाय की दृढ़ता के लिए कि नास्तिक आस्तिक कहने की बात नहीं, लेकिन एक संदर्भ ऐसा है, और भी जगह जगह है। ऋषि कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यत अनस्था विवर्त भूम्या असुर सृगात्मा क्वसित को विद्वांस मुपगात पृष्ठमय तत्। को ददर्श, किसने देखा, प्रथमम जायमानम, पहले उत्पन्न होते, अस्तनवंतम यत अनस्था विवर्त, अस्तनवंतम यानी हड्डी वाला, अनस्था हड्डी रहित, विभर्त धारण करना, जो हड्डी रहित है वह हड्डी को, हड्डी वाले को धारण करके गतिशील है, उस हड्डी रहित वाले को निर्मित होते पहले किसने देखा, ये शाब्दिक अर्थ है। इसका भावार्थ है कि सूक्ष्म प्रकृति अस्थूल जगत को धारण करके गतिशील है, ये पेड़ पहाड़ पृथ्वी भूमंडल चांद सितारे अनेक गोल गोल खंड जो आकाश में घूमते हैं, ये अस्तनवंतम है। अस्तनवंतम यानी ये हड्डी युक्त है, पार्थिव है, स्थूल है, और अनस्था प्रकृत अनस्था है, वो हड्डी वाली नहीं, बड़ी सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति ने इस स्थूल जगत को लेकर के धारण कर रखा है, वह सूक्ष्म प्रकृति, उस सूक्ष्म प्रकृति को किसने उत्पन्न होते देखा है। कपिल ने कहा है मूली मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। मूल का मूल नहीं होता है, जड़ और चेतन मूल है, इनका मूल और कोई नहीं, ये कपिल जी ने कहा। भूमि में असुर सृगात्मा को असित, ऋषि कहते हैं भूमि से अस और असृक बने, इसका अर्थ होता है जमीन से असु प्राण और असृक रक्त बने, असृक कहते रक्त, लेकिन इसका भावार्थ होगा प्रकृति से, जड़ प्रकृति से सूक्ष्म शरीर और अस्थूल शरीर बने, अस और असृक, असनाम प्राण, प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर, असृक नाम रक्त, रक्त से अर्थ है अस्थूल शरीर। तो भूम्य असुर सृगात्मा क्वासित, भूमि से अस और असृक बने, जड़ प्रकृति से सूक्ष्म शरीर और अस्थूल शरीर बने, ये तो बात समझ में आती है। आत्मा क्वासित, आत्मा क्या है, आत्मा तो जड़ से नहीं बनेगा। को विद्वांस मुपगात प्रश्नमय तत्, इस बात को पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है। एक ही मंत्र में इतनी बढ़िया बात कही गई है, अस्थूल जगत को जो सूक्ष्म प्रकृति धारण करके निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते पहले किसने देखा। जल प्रकृति से प्राणियों की स्थूल सूक्ष्म शरीर बन गए तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा तो जड़ नहीं, वो चेतन है, वो कहाँ से आ गया। इस चीज को समझने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है। लोग पेट धंधे में लगे हैं बस, तो ये
इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है, मतलब है ये सब है, नित्य सत्ता है, जड़ चेतन किसी से पैदा हुए तो वो किससे पैदा हुआ, फिर वो किससे पैदा हुआ, फिर कोई स्थिरता न रहेगी। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं और उनमें गुणधर्म है, उनके गुणधर्मों से उनकी स्थिति नित्य है। जड़ द्रव्यों में स्वतः सिद्ध क्रिया है, हवा की क्रिया स्वतः सिद्ध है, पानी की क्रिया, मिट्टी की क्रिया, आग की क्रिया स्वतः सिद्ध है। सूक्ष्म द्रव्यों में, जड़ द्रव्यों में जो क्रिया होती है वो उसमें अनाद निहित है, सदा सदा ये गतिशील है। मिट्टी पानी आग हवा कहें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कहें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इत्यादि सौ से अधिक तत्व कहे जाते हैं, लेकिन उन चारों उनको चार में समाहार किया जाता है, ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। हम लोग उसको सहज ढंग से कहते मिट्टी पानी आग हवा, चाहे सौ से अधिक तत्वों के नाम गिनाएं चाहे मिट्टी पानी आग हवा कहें। ये जड़ द्रव्य नित्य अनादि, इनके गुणधर्म इनमें नित्य अनादि हैं, इनसे जगत प्रपंच अनादि है, इसमें कुछ आरंभ नहीं है, सदा से है। पहले बीज है कि वृक्ष, अगर बीज है तो कहाँ से आया बिना वृक्ष के, और वृक्ष है तो बिना बीज के वृक्ष कहाँ से आया, इसलिए बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये सब समय है। मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, स्त्री पुरुष के बिना दूसरे बच्चे नहीं होते। तो जगत जो वर्तमान में है ये सब समय है, इसमें मूड मारने की जरूरत नहीं कि कहाँ से हो गया। हमारी एक आवश्यकता है ऐसे ईश्वर की, जो सब जगह हो, सब कुछ जानता हो और कुछ भी कर सकता हो, सर्वत्र व्याप्त सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त हर जगह वो है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अच्छा करता बुरा नहीं, और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। इन तीन गुणों से संपन्न एक शक्ति हमें चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। और इसीलिए सुंदर कल्पना मनीषियों ने पुराकाल से की है, ईश्वर सब जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अच्छा है बुरा नहीं करता, केवल अच्छा करता है। ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति होते दिखती नहीं, वो हर जगह है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, सब होता है। कुछ वर्ष पूर्व नेपाल में राज परिवार को, एक भाई के राज परिवार को सगे संबंधी सहित एक फंक्शन में सब इकट्ठे थे, साफ कर दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया। वहाँ था वो, सब जानता था, रोक सकता था, हुआ नहीं। अगर कुछ ऐसा प्रतिबंध है कि ईश्वर नहीं रोक सकता है तो ईश्वर स्वतंत्र तो नहीं हुआ, सर्वशक्तिमान तो नहीं हुआ। वो तो एक उदाहरण दिया, आपके भारतवर्ष में सामूहिक हत्याएं होती हैं, आगजनी होती है, लूटमार होती है, डाका पड़ते हैं, राजनी होती है, बड़े बड़े गबन होते हैं, कोई बाहर से पता नहीं चलता है, बड़ी सभ्यता से दफ्तर में बैठे बैठे अरबों खरबों रुपए का वारा न्यारा हो जाता है। ईश्वर हर जगह है, सब जानता है, रोक नहीं पाता है,
पाप जितना दुनिया में होता है इसी दुनिया में आप सब हैं, उसको गिनाने की जरूरत नहीं। मत्स्य आए बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रहे, गरीब लोग चूसे जाते हैं, जितने कानून बनते हैं गरीब उसमें पिसते हैं, सदैव कमजोर पक्ष पिसता है हर जगह। कैसा विचित्र संसार है, और ईश्वर हर जगह है, कुल जानता है। और ईश्वर इतना बलवान है चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और चाहे कमल पर सूरज खिला दे, इतना बलवान है। सूरज से ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि वह सूरज पर कमल, कमल पर सूरज न खिलाए, दुनिया से पाप ताप को दूर कर दे, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो हमारी कल्पना बड़ी सुंदर है, ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, त्राता है, दुख दूर करने वाला है, कल्पना बड़ी सुंदर है, लेकिन ये कल्पना घटित नहीं होती, फलित नहीं होती। तो ईश्वर का क्या स्थान है? ये सत्ता जो है, इस सत्ता को हम कैसे समझें? उपासना का क्या स्थल है? कस्मै देवाय हवसा विधेयम, ये भी ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। कस्मै देवाय हवसा विधेयम, किस देवता की हम उपासना करें? ईश्वर का क्या मतलब है? परम सत्ता का क्या मतलब है? ये विवेक से विश्लेषण करने का विषय है। और खुशी की बात है, भारतवर्ष पूरा काल से चिंतन में गहरा रहा। कपिल जी महाराज प्राक इतिहास काल में हुए, बुद्ध के पहले, था नहीं लगता उनका टाइम क्या है। कपिल नाम ऋग्वेद में आया है और शाणाचार्य ने भाष्य कपिल मुनि का अर्थ मान करके किया है, तो इसका मतलब ऋग्वेद वेद काल के हैं वो। अन्य शास्त्रों में भी उनकी गरिमा का वर्णन है, सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमलबुदार कांतम। सांख्य शास्त्र प्राचीन है, सागर की तरह है, परम पवित्र है, ज्ञान का आगर है। लोकम च ज्ञानम च लोकम यदि हास्त किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। हे महात्मन, इस दुनिया में जहाँ कहीं कुछ भी ज्ञान है वो सांख्य से आया। ज्ञानम च लोके, इस लोक में जितना ज्ञान है, ज्ञानम च लोके यदि हास्त किंचित यत इह अस्त किंचित, इस संसार में जो कुछ थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान है, सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, अय महात्मन वो सांख्य से आगत है, सांख्य से आया है। सांख्य दर्शन की इतनी गरिमा है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया। कपिल ऋषि प्रथम पैदा हुए, ऐसी कपिल की महिमा ऋषियों में गीताकार ने श्री कृष्ण मुख से कहलवाया, सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, कपिल वस्तु में ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, जो बस्ती जिला के उत्तर अब नेपाल में इस समय पड़ता है। कपिल वस्तु बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी माना है कि वो कपिल का क्षेत्र है, और कपिल की ही परंपरा के ऋषि के प्रभाव से तथागत बुद्ध ने पहले पहल सीखा था। वह कपिल ईश्वर स्वीकारता है, ईश्वर अलग नहीं, प्रकट पुरुष दो हैं, कणात जैमिन, ये सब तत्व विवेक की बात करते हैं। बुद्ध महावीर तत्व विवेक की बात करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा तत्व चिंतन में बहुत आगे है, भावुक नहीं है।
भावुक बन गए, बहुत बन गए हैं, लेकिन चोटी के ऋषियों को देखा जाए बहुत चिंतनशील हैं। ईश्वर जिस ढंग से हम सोचते हैं उस ढंग से नहीं, ईश्वर का निषेध नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे और कहें इस कबीर आश्रम के दक्षिण तरफ गंगा बहती है, तो समझने वाला कहेगा उत्तर बहती है, आप गलत कह रहे हैं। तो गंगा का निषेध नहीं है, दिशा का निषेध है। ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है उसका निषेध है, ईश्वर का निषेध नहीं है। ये जगत चल रहा है, वर्षा होती है, छह ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, सृष्टि जगर मगर जगमगाती है। इस संसार निरंतर गतिशील है, ये कोई बिना कारण के चलता है, ये सम्य कारण है। ये प्राणी सब जीते खाते हैं, चलते हैं। आपका व्यक्तित्व है, आप जीते खाते हैं, आप में हर्ष है, शोक है, उद्वेग है, कामनाएं हैं, अहंकार है, एक भंवर है, मैं का मैं हूँ, ये सब शून्य तो नहीं, अस्तित्ववान है। इन सब में हमें ईश्वर को देखने की जरूरत है, जो सामने है। कल्पना का लड्डू खा करके भटकना नहीं, हमें ऐसा ईश्वर चाहिए बिना हमारे मेहनत के हमें सब कुछ दे दे, भोग दे दे, मोक्ष दे दे, कल्याण कर दे। इसलिए शिक्षित और धनियों का बड़ा तबका ऐसे गुरु बाबा के पीछे लगता है जो तत्काल तुरंत फुरत सब काम कर दे, भोग भी दे दे, मोक्ष भी दे दे। उनकी कृपा से आपको लड़का भी पैदा हो जाएगा, लड़का नहीं है तो रोग भी दूर हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। क्योंकि सिद्ध बाबा हैं, अवतार हैं, अलौकिक हैं, एक ही साथ में भारत में अनेक जगह वो भाषण करते हैं, चमत्कारी बाबा हैं, आकाशगामी हैं। ऐसे गुरुओं की लाइन में सब लग जाते हैं। ईश्वर जादूगर जैसा हमें चाहिए, सब दिखा दे, सस्ते में सब काम कर दे। वस्तुतः हमें सत्ता को तीन भागों में बांटना चाहिए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। एक दिन मैंने थोड़ी चर्चा इस पर की थी। आदि दैविक सत्ता जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, आदि भौतिक सत्ता प्राणियों का समूह है, आध्यात्मिक सत्ता आपका व्यक्तित्व है। ये कोई अनुमान कल्पना नहीं, अटकल पच्चू बात नहीं, ये सब सामने। वैदिक भाषा के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को देव कहते हैं, सूरज चमकता है देव है, चांद चमकता है देव है, तारे चमकते हैं देव है, पानी देव है, हवा देव है, आग देव है, पृथ्वी देव है, प्राकृतिक शक्तियां देव हैं। इसीलिए दैवी प्रकोप, भौतिक जड़ पदार्थों से कष्ट होता है तो कहते दैवी प्रकोप, अधिक वर्षा हुई कष्ट हुआ, अवर्षण से कष्ट हुआ, भूचाल से कष्ट हुआ, आग लग गई कष्ट हुआ, तो कहते दैवी प्रकोप है। यानी प्राकृतिक जड़ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा कष्ट की प्राप्ति। इसलिए जड़ क्षेत्र ये आदिदैविक क्षेत्र है, आदि कहते आधार को। आदिदैविक का अर्थ हुआ जिसका आधार देव हो, वह क्षेत्र, यानी जिसका आधार जड़ प्रकृति शक्ति हो। यह स्थूल जगत का आधार जड़ प्रकृति शक्ति है, और इसी को वेद के ऋषि ने कहा, को ददर्श प्रथमं जायमानं,
इसको पहले उत्पन्न होते किसने देखा? प्रकृति के हमें विषय में विश्लेषण करना चाहिए। पूर्वी हवा चलती है तो पूरब से कोई देवता ठेलता नहीं, पश्चिमी जब चलने लगती तो देवता पश्चिम जाकर के ठेलने लगता है पंजाब की तरफ से, ऐसी बात नहीं, वो प्राकृतिक क्रिया है। नदियां बहती हैं उसको कोई ठेल नहीं रहा है देवता, समुद्र में तरंगे उठती हैं हा, उसमें कोई सचैतन्य देवता कुछ नहीं कर रहा है, वो प्रकृति शक्ति ही देव कहलाता है, स्वयं गतिशील है। गुण और द्रव्य, द्रव्य और क्रिया, ये अभिन्न, द्रव्य की शक्ति क्रिया है, क्रिया ही से वस्तु की शक्तिमत्ता का प्रकटीकरण होता है। यदि क्रिया ना हो तो शक्ति का अनुभव नहीं होगा। द्रव्य में गति है, क्रिया है, वो स्वतः सिद्ध है। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, भावनावादी जिनके दिमाग पर देव चढ़ा है, कृपा करने वाला देव, कहते जड़ तो क्रियाहीन है क्योंकि जड़ में कैसे क्रिया होगी, ऊपर से देवता कोई प्रेरणा करता तब क्रिया होती है। यानी पानी बरसता है तो कोई जानबूझ करके जानने वाला देवता बरसाता है, जानने वाला देवता बरसाए तो खेत में बरसाए, सड़क पर नहीं बरसाएगा, सड़क में कीचड़ हो जाता है, केवल खेत में बरसाएगा। लेकिन वर्षा जहाँ जरूरत नहीं होती है, इसी समय वर्षा की भारत में अनेक क्षेत्रों में जरूरत है, तो पानी बरसने का जो कारण है वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं, स्वभाव है, स्वभाव से बरसता है, प्रकृति से बरसता है, उसकी गुण क्रिया संयुक्त सभी अंग संपादित हो जाएंगे, बरसेगा नहीं होगा नहीं बरसेगा। नाथ सहज इनकी जड़ करणी, गोस्वामी जी ने भी कहलवाया, ऐ नाथ ये पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि की सहज जड़ करणी है। तो भौतिक जड़ पदार्थों में जो गति होती है वो उनकी स्वभाव सिद्ध क्रिया है। पानी बरस रहा है, नुकसान हो रहा है ज़्यादा, आप प्रार्थना करो हे वरुण देवता क्षमा करो, दूर हो जाओ, कुछ फल नहीं होगा। पानी नहीं बरस रहा, इंद्र को मनाते रहो, कुछ नहीं होगा। आग लग गई, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, उसी में घी अच्छत और जो भी डालो, स्वाहा स्वाहा करो, हे भगवान अब संतुष्ट हो जाओ, और आग बढ़ जाएगी, उसमें पानी और धूल डालने की जरूरत है। जड़ प्रकृति को हमें ठीक से समझना चाहिए, हम उसको ठीक से नहीं समझते, भावना लाद करके समझते। देवता कहा तो देवता का मतलब हो गया सचैतन्य, वो कृपा करेगा। आग कौन कृपा करेगी? आग को समझो और आग से उपयोग करो। सूर्य सबसे बड़ा देवता माना गया, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, जो ऋग्वेद में आया है वो एकम सद आदित्य है, उसको पढ़िए तो आपको पता लगेगा। मैंने वेद क्या कहते मैं सब लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंत इंद्रम मरुतम वरुणम अग्निम सोमम, इंद्र मरुत वरुण अग्नि इत्यादि ये सब नाम हैं। एक आदित्य सूर्य सर्वोच्च देवता है, तो सूर्य को देवता माना। प्रार्थनाएं भी की गई क्योंकि भावुक हृदय, सूर्य की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ठंडी में सूर्य के ताप का अधिक सेवन, गर्मी में कम सेवन, उसका प्रकाश, घर ऐसा बनाओ जिससे सूरज का प्रकाश किरणें घर में आवें, हवाएं आवें। शाला का वर्णन वेदों में बड़ा सुंदर, अथर्ववेद में कैसे घर बनाना चाहिए, ये सब प्रयोग करो। जड़ प्रकृति के गुणधर्मों को समझो और उनका अच्छा उपयोग करो। आदि दैवी की ईश्वर प्रकृति की शक्तियाँ, उनको समझो
और समझ करके उनका अच्छा उपयोग करो, मिट्टी का, पानी का, आग का, हवा का, सूरज का, चांद का, समुद्र का, नदी का, हवाओं का, ये सब का आप अपने विवेक से समझ करके अच्छा उपयोग करो, सेवन करो, ये ईश्वर की उपासना होगी। सूरज की किरणों का सेवन ठंडी में ज़्यादा करो, गर्मी में कम करो। इसी प्रयाग में ह्वेनसांग ने लिखा है, जो चीन का महात्मा था बौद्ध मत का, बृहत्तर भारत में घूमा है, आसपास के देशों में भी। मेरी एक डायरी है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी, पूरा मैंने विवरण लिखा है। इतिहास में तो थोड़ा आता है, मेरे हाथ में उनकी डायरी मिल गई, लग गई, तो उनकी डायरी के आधार पर मैंने अपनी डायरी लिख दी, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी। प्रयाग में वो बताते हैं कि संगम में लकड़ी गाड़ देते थे और उसमें दो लकड़ियाँ बांधे रहते थे, एक लकड़ी पर खड़े हो जाते थे और एक लकड़ी बाएं हाथ से पकड़ लेते थे और सूरज उगने के पूर्व उस पर चढ़ जाते थे और सूरज को एकटक देखते रहते थे। जब वो सूरज ऊपर आता तो ऊपर देखते रहते थे और जब सूरज पश्चिम जाता था तो वैसे सिर घुमा के देखते रहते थे, एक पैर लकड़ी पर रख, एक तो खड़ी लकड़ी और एक ऐसी लकड़ी आड़ी, तो उस पर पैर, एक पैर इस पर और एक पैर लटकाए रहते थे तान करके, और दिन भर खड़े रहते थे, कठिन तप। फिर सूरज डूब जाए तब उतरते थे और ऐसा वो महीनों करते थे और ऐसा बरसों से करने वाले होते थे। इससे मानते थे कि सूरज का एक टक ध्यान हम करते हैं मोक्ष धाम में जाएंगे। आत्महत्या करते थे, उन्होंने स्वयं भावुक होकर के लिखा है, कुछ बानर आते थे तो वे उपवास करके वहीं मर गए। तो मैंने लिखा कि ह्वेनसांग भी भावुक हो गए, अरे बीमार रहा होगा, नहीं कुछ खाता पीता होगा, मर गया होगा, बानर बेचारा क्या जाने। तो ये सब प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके पूजने की प्रवृत्ति, वो प्रभाव आज भी चलाया है। तो एकम सद आदित्य सूर्य, वेद में मैंने सब लिखा है और विचार हर जगह बताया है, ये उपयोग की चीज है, प्रार्थना की नहीं। सूरज की प्रार्थना नहीं करना है, सूरज को समझना है, सूरज का प्रकाश लेना है, अपने घर का ऐसा दरवाज़ा बनाओ, खिड़की बनाओ, उसमें प्रकाश आए, सूरज की किरणें भी कुछ समय आवें, हवाएं आवें, उनका आदर करो, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, वंदना से कुछ काम नहीं होगा। बाढ़ आ जाए आप वंदना करो बह जाओगे, जल्दी भागो सामान लेकर के, नहीं वंदने वंदना में बह जाओगे छुट्टी। विवेक ज्ञान नहीं है, अंध रूढ़ में सब भटकते हैं। आदि दैविक ईश्वर ये प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के नियमों को समझें, अंधविश्वास से ऊपर उठें। पानी कोई सचैतन्य देवता नहीं बरसाता है, भूचाल कोई सचैतन्य देवता नहीं लाता है, ये दिन रात कोई सचैतन्य देवता नहीं घुमा घुमा के करता है, ये प्रकृति के अपने नियमों से निरंतर होता है। और इन बातों का भी वर्णन वेदों में बारंबार आता है, चक्र की तरह संसार चल रहा है। आदि दैविक ईश्वर प्रकृति की शक्तियां और विवेक द्वारा उसको समझना चाहिए। विज्ञान आजकल बहुत कुछ समझा रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। वराह मिहिर ने आज से 1500 वर्ष पूर्व इसको बता दिया था, हमारे यहाँ के गणितज्ञ वराह मिहिर आज से 1500 वर्ष पूर्व हुए हैं, और उन्होंने ये बता दिया था कि चांद सूरज पृथ्वी एक रेखा में आने से चंद्र या सूरज का ग्रहण लगता है। लेकिन पंडितों और पुरोहितों को खाने के लिए व्यवस्था बना दी थी कि एक राक्षस है और ऐसा करता है तब ऐसा हो जाता है, इसलिए दान करना चाहिए जिससे उससे पाप कट जाए। तो
काणे जी महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और जिनकी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में छपा है, उन्होंने लिखा है कि बुद्धिवाद परंपरा अंधविश्वास एक साथ नहीं चल सकते हैं। बहुत उदार होकर लिखा है कि ब्राह्मीर एक तो बुद्धिवाद की बात करते हैं, फिर परंपरा पंडितों की पेट पूजा के लिए वे दान कराने के लिए उसमें लगा देते पुछल्ला, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। अब बामन काणे स्वयं पंडित थे, स्वयं विचारवान और महाविद्वान थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, बुद्धिवाद परंपरा अंधविश्वास एक साथ नहीं चल सकते। बुद्धिवाद है तो परंपरा पर विचार करना होगा, परंपरा की अच्छी बातें लेनी होगी, गलत को छोड़नी होगी, और अंधविश्वास एकदम छोड़ना होगा। तो आजकल तो विज्ञान में पढ़ करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं, अंधविश्वास से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन दिमाग पर इतना छाया है। एक इंजीनियर ने मुझसे कहा गुजरात में, अक्षरधाम जब देखने के लिए बुलाए तो उन्हीं का भक्त एक इंजीनियर नवयुवक था, तो हम लोगों को स्पेशल लेके घुमाने चला, तो एक मूर्त के पास गया, कहा महाराज ये मूर्त दूध पीती है। मैंने कहा इंजीनियर हो क्या, ये समझ में आता है कि दूध ये मूर्ति पी सकती है, तो हड़बड़ा गया। तो अंधविश्वास दिमाग पर इतना छाया है, कुछ तो स्वार्थ बस धोखा देते हैं समाज को, और कुछ भावुक होते हैं, समझ नहीं पाते और भटकते रहते हैं। तो आदि दैविक क्षेत्र प्राकृतिक शक्ति है, आदि दैविक ईश्वर प्राकृतिक शक्ति है, जिससे पानी बरसना न बरसना, भूचाल आना, क्षरितों का परिवर्तन होना, अनंत विश्व ब्रह्मांड का निरंतर गतिशील रहना, ये आदि दैविक ईश्वर से होता है। आदि दैविक ईश्वर का मतलब है प्रकृति के नियम जो शाश्वत हैं, अनादि अनंत हैं। वेदों में तो ये भी कहा गया कि प्रकृति के नियम को देव भी नहीं बदल सकते। वेदों में भावुकता की बात बहुत है, लेकिन बीच बीच में विचार प्रधान बात उसमें मिलेंगी। तो आदिदैविक ईश्वर प्राकृतिक नियम है, उसकी वंदना की जरूरत नहीं है, समझने की उसे जरूरत है और उसका सही उपयोग करने की जरूरत है। दूसरा है आदिभौतिक ईश्वर, आदिभौतिक भूत नाम प्राणी। ये जो प्राणी हैं ये ईश्वर हैं, ये पूजनीय हैं, सेवनीय हैं, इनकी सेवा करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम आकाश में ईश्वर खोज रहे हो, उसकी पूजा के लिए उतावले हो। अरे ये मनुष्य ये प्राणी जो चारों तरफ फैले हैं ये ईश्वर हैं, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। उनका हृदय तो गंगा लहरी, बहुत बातें बढ़िया बढ़िया कह देते थे, इतना फटकार देते थे, उन्होंने शंकराचार्य को फटकार दिया। शंकराचार्य दक्षिणी पंडित पुरोहित हृदय थे, संकुचित हृदय और क्या थे, एकदम वेदांती लोग तिलमिला जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मण कहलाने वाले को ही ज्ञान होता है, दूसरे ज्ञान नहीं होता है, शंकराचार्य मानते थे। और एक तरफ कहते ब्रह्म एक है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनको स्वीकारा नहीं। आदि भौतिक ईश्वर भूत प्राणी, मैंने एक दिन कहा था भूत नाम जड़ तत्व, भूत नाम बीता समय, भूत का अर्थ होता है सत्य, भूत का अर्थ काल्पनिक भूत प्रेत भी होता है जो काल्पनिक है, और भूत का मतलब देहधारी प्राणी। गीता में आता है दया भूतेश लोलुप्तम, ये देवी संवदा में वर्णन आता है, दया भूतेश, भूतों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो। तो आदिभौतिक देव, आदिभौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिम विश्वतो वृत्तात्तिष्ठत दशांगुलम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, वो सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद,
पुरुषा जो पुरुष है सहस्र अक्ष हजारों आंखें हैं, सहस्र ईसा सहस्र है, सहस्र पास हजारों पैर हैं, सब भूमि में वो भूमि में वृत्त घेर करके विश्व विश्व नाम सब तरफ से वृत्त घेर करके अतितिष्ठत ऊपर बैठा है दस अंगुलम दस अंगुल पर। वेद के अधिकतम मंत्र भुजव्वल होते हैं। शरणाचार्य ने जो वेदों का प्रकांड पंडित हुआ भाष्यकार जिनके ऋग्वेद अथर्ववेद दोनों के भाष्य उपलब्ध हैं, यजुर्वेद का उन्होंने भाष्य किया था इसका पता नहीं लगता है। साम वेद तो अलग है ही नहीं, वो सब ऋग्वेद ही है। साम वेद में कुल अपने 75 मंत्र हैं बस, और सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। कोई ऋग्वेद का अर्थ कर दिया तो साम वेद की जरूरत नहीं। तो ऋग और अथर्व ये दो वेदों का भाष्य शरणाचार्य का है। निखिल जगत में शरणाचार्य का भाष्य ही माना जाता है। ये 700 वर्ष हो गए उनके हुए, उन्होंने जो अर्थ किया है इसका, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, मैंने अपने वेद में उसको उनका मूल भी नीचे दिया है, ऊपर हिंदी में दिया है अर्थ। उसका अर्थ यही माना है कि ये सब प्राणियों का जो समूह है यही विराट पुरुष है, और एक एक व्यक्ति उसके अंग है, जिसको दार्शनिक भाषा में समष्टि और व्यष्टि कहते हैं। व्यष्टि नाम अलग अलग प्राणी और समष्टि नाम सबकी सामूहिकता। व्यष्टि जीव है, समष्टि ईश्वर है। एक एक व्यक्ति है मानव जीव है, और सभी व्यक्ति इकट्ठे हो गए हो शिव है, ईश्वर है, पंच परमेश्वर। गाँव वाले भी कहते हैं भाई पांच इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गया, मानना पड़ेगा बात। प्राणियों की सामूहिकता को विराट पुरुष कहते हैं। देखो यहाँ एक विराट पुरुष बैठा है, इसमें देवियाँ भी हैं देवता भी हैं, ये विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष की सेवा करो, ये सेवनी है। और दुख है, इसकी सेवा हम नहीं करना चाहते हैं, पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध द्वेष घृणा, पड़ोसी छोड़ दो घर में कलह, पत पत्नी जलते हैं, भाई भाई एक दूसरे से मीठ नहीं बोल पाते, नम्र हो के नहीं बोल पाते हैं, शाम को इकट्ठे होंगे तने तने एक दूसरे से बोलेगा नहीं, कोई पूछ लिया तो आग वर्ण हो करके बोलेगा, भभक पड़ेगा। क्या जीवन है, नरक नरक। शीतल मन नहीं, मीठी वाणी नहीं, कोमल स्वभाव नहीं, पत्नी से मीठ नहीं बोल सकते हो, पति से भी देवियां नहीं बोल सकती हैं। कल जो फोन आया उस देवी का, समझाता रहा, कहा गुरुजी पति हमारे लिए गलत धारणा रखते हैं। मैंने कहा ये न सोचो, जो उसमें कह देते हैं उसका इतना गहरा अर्थ न लगा लो, आदमी होश में नहीं, सह लो। गलत धारणा भी लगाएंगे तो उनका नुकसान होगा, तुम सही धारणा रखो, मीठा बोलो, कैसा नहीं मिलता है हमके तो दुख भोगना है, कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। जीवन सुखी जीवन, जो आता है मैं पूछता हूँ आनंद, हाँ साहब ठीक है, कोई परेशानी, महाराज परेशानी न कहे। जवान लड़के बूढ़े मध्य के सब की दशा, सब दुखी 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 दुखी, एक ही दुख है, पता नहीं क्यों मन बेचैन रहता, समझ में नहीं आता। प्राय लोग कहते हैं, 1969 की बात है, 1969 गुरुजी समाज सहित चले छत्तीसगढ़, मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर के दो चार लोगों को लेकर के कानपुर और इधर पश्चिम होते हुए नागपुर होते हुए मैं गुरुजी के पास गया था। मेरे कुछ कार्यक्रम थे तो गुरुजी से कहा दो तीन जगह, तो कहे ठीक है हो आओ। कानपुर जब मैं गया, रेलवे के एक बड़े अधिकारी यहाँ टिका, दोनों सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर,
पैसा कौड़ी खूब, वो देवी घर की बैठी, दोनों में प्रेम भी बहुत बढ़िया। कहे महाराज हमारे पतिदेव जी बहुत दुखी रहते हैं। हम कहे क्या कारण है, इतना ऊंचा पोस्ट, शरीर देखो तो रबड़ का थैला जैसा, सुंदर सुंदर। मैंने कहा आओ बैठो, क्या तकलीफ है। कहे समझ में नहीं आता है, हरदम मन बेचैन रहता है। वो तो उदाहरण ख्याल आ गया, एक एक बात थोड़े, सबके अंदर में असंतोष असंतोष असंतोष। क्या कारण है, अपने मन का पाप। किसी ने कह दिया क्षुब्ध हो गए हैं, वो भी आपकी कमजोरी ही है, आप ही का पाप है। हजारों लोग कहें हमें बुरा, हंसते रहना चाहिए हमें, तब हमारा जीवन सुखी होगा। सब मिलकर के कहें तुम महादुष्ट हो, मैं चरणों में पड़ जाऊं, सचमुच हूं, फिर बेचारे सब ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये गद्दी पर बैठ के कहना सरल है। अभी मेरे साथी कोई कहाँ है तो इनके चाटे लगाऊंगा, कैसे तो कह दिया। लेकिन प्यार से मैं चाटे लगाता हूँ, गुस्सा से नहीं लगाता हूँ। हमारे सुचाल साहब तो कहते रहते हैं हमसे कि मैं आपके पास बहुत दिन रहता हूँ, कभी कभी किसी दिन गुस्सा करते नहीं देखता हूँ, किसी को डांटते नहीं देखता हूँ। तो मैंने कहा बता करके डांटूंगा, अकेले डांटता हूँ जिनको डांटना होता है, कभी आपको भी डांटोगे। तो इनको भी डांटा तो ये हंस करके भागे। दुख अपने मन का पाप है। भूख लगी हो भोजन न मिले तो दुख है, तन ढकने के वस्त्र न हो तो दुख है, रहने की छानी न हो तो दुख है, और ये सबको है। अब पाप जो है उसको कहाँ ले जाओगे, जलाओगे तब सुखी होगे। हमारे चारों तरफ जो प्राणी हैं ये परमात्मा है, जात पात कुछ नहीं, जात पात सब छूट, मनुष्य मात्र परमात्मा, प्राणी मात्र परमात्मा, एक चीटे कीड़े मकोड़े सब परमात्मा। इसलिए जितना बन सके किसी जीव को तकलीफ न दो। किसान खेती करता वो जीव नहीं मारता, खेती करना उद्देश्य। प्रश्न हो सकता है दवाई डालता है, दवाई डालने में भी उसकी इच्छा है अन्न की रक्षा, अन्न की रक्षा केवल चाहता है, कीड़ा मारना नहीं चाहता है। अब कीड़े मरते हैं तो मजबूर है, क्या करेगा, मेहनत करता है, अन्न की रक्षा करना पड़ता है। किसान पापी नहीं है, किसान विश्व भगवान है, विश्व भगवान जगत पालक है कहते हैं। लेकिन एक बोरा गेहूं कहूं विश्व भगवान ने भेजा है पता नहीं लगता है। और किसान लोग कितना अन्न सप्लाई करते हैं। विश्व जगत पालक है, उसका वैदिक अर्थ है विश्व, जो व्यापन करे। वृद्धात से विष्णु शब्द बनता है, व्यापन करे वो सूर्य, और सूर्य जगत का पालक है। धरती से पानी खींच करके किरणों से बरसाता है, इसलिए ये अर्थ है और वैज्ञानिक अर्थ है। तो आदि भौतिक ईश्वर ये प्राणी हैं, इन प्राणियों के प्रति सेवा भाव, किसी का हित न हो मनवाणी कर्म से, किसी के लिए आप ऑब्जेक्शन मत करो, किसी की निंदा न करो, किसी की बुराई न करो, क्षमा दया शील संतोष से जीवन व्यतीत करो, प्राण मात्र भगवत स्वरूप समझो। ये आदि भौतिक ईश्वर की सेवा है। तीसरा आध्यात्मिक ईश्वर, अधि आत्मिक ईश्वर, अधि आधार, आत्मा जिसका आधार हो, वह शरीर मन इंद्रियां, ये आध्यात्मिक है। शरीर इंद्री मन आध्यात्मिक है, क्योंकि आत्मा से जुड़े हैं। आध्यात्मिक ईश्वर क्या है, आत्मा, आप स्वयं ईश्वर हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा डंके के चोट पर अहम ब्रह्मास्मि। याज्ञवल्क्य ने तो कहा जो कहता देव अन्य है मैं अन्य हूं, वो देवताओं का पशु है। और जैसे एक एक मनुष्य के कई गायें होती हैं, और कोई गाय उससे हाथ उसके हाथ से निकल जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है।
ऐसे बहुत से मनुष्य मिल करके एक एक देव की पूजा करते हैं। कोई मनुष्य अगर देव के हाथ से निकल जाए और कहे मैं ही ब्रह्म हूँ तो देवता खुश नहीं होते हैं। ये देवताओं का परिहास उन्होंने किया है। बृहदारण्यकोपनिषद में यह है, उपनिषद सौरभ में मैंने लिखा। तो हमारे यहाँ चिंतन पुराकाल से देखो एकदम धारदार, परमात्मा ब्रह्म आत्मा है, ये वेदांत की घोषणा, जो वेद का अंत भाग है इसको आप वेद की घोषणा कह सकते हैं। परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिश्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, ये भी वेद मंत्र है। द्यावा पृथ्वी अनेकों लोक, सब में पर विशेषण लगा करके समग्रता सूचक अर्थ प्रकट करते हैं ऋषि कि सब में ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु परिपूर्ण, प्रकृति के नियम परिपूर्ण, लेकिन विचरते जो इसको चीर देता है, प्रकृति को भी भेद देता है, तद्भवत तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, तत्पश्यत उसको देख लेता है, तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है। इसका सरल अर्थ है कि सारा संसार प्रकृति के नियमों से गुथा है, लेकिन इस जड़ प्रकृति से भी ऊपर उठ करके जो तत्व को समझता है तो तत्पश्यत उसको देख लेता, तत् नाम हुआ पश्यत नाम देख लेना, उसको देख लेता है, तो उसको तो परोक्ष ईश्वर हो गया। तो ऋषि कहते हैं तद्भवत वही हो जाता है। तो हो जाना तो नकली, कोई थानेदार हो गया फिर रिटायर्ड हो गया, फिर गंडा बीनता है। एक थानेदार कंडा बीनते थे, रिटायर्ड हो गए थे, घर में थे, बूढ़े हो गए थे, घर से बड़ा तिरस्कार था, तो खेत में जाए तो सूखे गोबर को बटोर ला, तो रिटायर्ड हो गया तब कंडा बीनना पड़ेगा। तद्भवत हो गया, हो गया तो फिर बदल जाएगा। तो ऋषि कहते हैं तदासीत वह है ही, वो वही है, यानी परमात्मा ही है, परोक्ष में नहीं भटकना। एक दिन मैंने कहा था प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीन विषय, प्रत्यक्ष जड़ जगत है, परोक्ष अलग ईश्वरादि धारणा है, और अपरोक्ष आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूढ है बन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। साहब का युग था वैष्णव का, और वैष्णव से वो ज़्यादा जुड़े थे, इसलिए उनकी भाषा में परम तत्व के लिए राम शब्द का प्रयोग अधिक है। ब्रह्म वाला समय नहीं था, वो उपनिषद काल था जब ब्रह्म का समय था, वेद काल उपनिषद काल। कबीर साहब का काल वैष्णव का था और वैष्णव से वो जुड़े थे, इसलिए वो राम कहते, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। अल्लाह राम जीव तेरी नाई, उन्होंने अपरोक्ष बोध पर जोर दिया। आध्यात्मिक ईश्वर आपका आत्मा है जो उपासनी है, आदि दैविक ईश्वर विचारणी है और उपयोग करने की वस्तु है, आदि भौतिक ईश्वर आदर योग और पूजनीय है, आध्यात्मिक ईश्वर उपासनी है, आदिदैविक ईश्वर यानी प्रकृति की शक्तियाँ, इनको समझना चाहिए जिससे आप निर्भ्रांत हो। पानी न बरसे तो हवन और कीर्तन के चक्कर में न पड़े, पानी बरसने होगा तब बरसेगा, भ्रम में न पड़े। जड़ शक्तियों को ठीक से समझें, उपयोग करें। और आदिभौतिक ईश्वर ये प्राणी हैं, प्राण मात्र परमात्मा, इनकी सेवा करें, तकलीफ किसी को न दें। और आध्यात्मिक ईश्वर स्वयं आत्मा है, अपने मन को समेट करके स्वयं में लीन हो, जो यहाँ ध्यान का विषय है। आध्यात्मिक ईश्वर ही उपासनी है, आत्मा ही उपासनी है,
उपनिषद में कहा गया लोक में ईश्वर आत्मा ही उपासनीय है। आत्मा का मतलब है स्वयं, तथागत बुद्ध ने भी कहा पटिवासयत्मत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो। गीताकार ने कहा आत्मन्यवात्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, प्रत्यक्ष बोध यानी स्वयं प्रत्यक्ष बोध जिसको अप्रोक्ष बोध कहते हैं, भ्रमना कहाँ है, भटकना कहाँ है, सब समय ईश्वर मिला है। आंखें खोलो, बाहर ईश्वर, ये प्राणी सब ईश्वर हैं, सबके साथ कोमल बर्ताव करो, मीठा बोलो, अत्यंत विनम्र हो के बोलो, संभाल के बोलो, बोलने और देखने, बोलने और लिखने, एक विद्वान ने कहा बोलना और लिखना बहुत संभल के, आपके लिखने का प्रभाव होता है इसलिए संभाल के लिखो, बोल जैसे आपके मुख से कुछ निकला अगला आदमी प्रभावित होगा, इसलिए बहुत संभल के बोलो, अकड़बाजी न रहे बोलने में, कटुता न रहे, अत्यंत विनय और मीठा वचन रहे, कोमल बोलो। इस प्रकार आदि भौतिक परमात्मा हमारे चारों तरफ फैला है प्राण जगत, इनकी पूजा सत्कार सद्भावना और अंततः आध्यात्मिक ईश्वर स्वयं आत्मा है। मन को समेटो, आत्मलीन हो जाओ, जो जीवन का परम सुख है। बीच में मैंने कहा था कि सब दुखी सब दुखी सब दुखी अपने पाप के कारण। पाप पाप क्या है? राग द्वेष मोह ममता आसक्ति, इसी पाप के कारण वो स्थूल पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, मोह करते, वैर करते, ईर्ष्या करते, ये कम पाप है, ये जलाता रहेगा। सब जीव अपने पाप से दुखी है, अपने पाप को धो डालो, पूर्ण रूप से सुखी हो जाओ। तो इस प्रकार आदि दैविक ईश्वर प्रकृति के नियम हैं, जो समझने योग्य हैं और विवेक से उनका उपयोग करने योग्य है। आदि भौतिक ईश्वर प्राणी जगत है, जिनका सत्कार हमें करना चाहिए। आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, अपने मन को समेट करके आत्म में लीन होना चाहिए, यही अंतिम ईश्वर उपासना है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम।